हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंजना और अंजनास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आज का ब्लॉग हमारे बेटों से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला था 3 मंथ्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आज मैं डेली 5th मंथ का शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि 4th मंथ में डेवलपमेंट, थर्ड मंथ में जो डेवलपमेंट होते हैं वैसे ही सेम रहते हैं, बस एज कम्पेयर टू 3rd मंथ 4th में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट 5th मंथ में जंप कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेटू के माइलस्टोन, क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे मदर चाइल्ड बॉन्ड से। तो इसमें क्या होता है, मम्मी और जो बेबी का बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसमें बच्चे अपने पेरेंट्स में सबसे पहले नंबर पे मम्मी को सबसे ज्यादा ये मतलब पहचानने लगते हैं, उनकी गोदी एकदम अच्छे से जान जाते हैं। और आप दूर से आवाज लगाओगे तो आवाज सुन के ही आपकी ओर यू टर्न करेंगे। और उसके साथ ही अभी मेरा बेटू क्या करता है, पूरा अपना गर्दन को पूरा राउंड घुमा लेता है और एकदम अच्छे से टिका लेता है गर्दन, ये आप लोग देख सकते हैं। और इतना क्यूरियस हो जाते हैं इस मंथ में बच्चे कि इनको कुछ चीज नया दिखेगा तो इसको आप देख सकते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट, पता नहीं इसे कहाँ जाना है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और ये देखिए, फिफ्थ मंथ में हमारा बच्चा ऐसे चिल्लाने लगता है दिन रोज रात में, मतलब बातें करता है, इनको ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं मतलब जैसे मम्मी पापा को बात कर रहे हैं वैसे मैं भी बात कर ले रहा हूँ, इसलिए ये भी ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और क्या करता है, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो ये एकदम से चारों ओर बैठे रहेंगे तो चारों ओर सर घुमा के देखेगा कौन क्या क्या खा रहे है, क्या कर रहे हैं वाला ऐसा। और मतलब इनको भी लगता होगा कि मैं भी खाऊं ऐसा वाला, तो ऐसा है। और बात करें कि स्लीपिंग पैटर्न की, तो इनका स्लीपिंग पैटर्न भी अभी ओके है, मतलब ठीक है, अच्छे से रात में सो जाते हैं। और हाँ, ये दिन और रात में फर्क करना एकदम अच्छे से जान जाते हैं। और ये अभी मेरा बच्चू दिन में मोस्टली खेलता ही रहता, सोता कम है, दिन हो या रात हो सोता रहता था। और अब क्या है कि दिन में जितना हो सके खेलता है, जगा रहता है और सबका इंटरटेन करता है, और रात में आराम से सो जाता है और हम भी आराम से सो जाते हैं। और इसके मोशन का टाइमिंग, हालांकि हमारे बच्चे में ये 3rd महीने में ही मतलब सब सेटल हो गया था, अभी मतलब पूरा सेट हो चुका था, तो वही अभी भी है जैसे 3rd मंथ में था वैसे ही मॉर्निंग में ये करेगा। और कभी कभी ज्यादा से ज्यादा इवनिंग में भी करता, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इसके साथ ही ये बिल्कुल अब पेट के बल से लिटा दो तो ये लेट जाता और आराम से खेलता है, पहले तो पता नहीं दबता था पेट या क्या, तो ये रहता नहीं था, और अभी एकदम मजे से खेलता है। और इसे अगर लिटा दो तो अपने आप से टर्न होने की कोशिश करता है, और ऐसे लिटा दो तो अपने आप से ऐसे उठने की आधा मतलब उठ जाता है ना। और बहुत सारी बातें करता, बहुत सारी बातें करता, हम थक जाते हैं इससे बात करते करते। और अभी ये सो के उठा इसलिए थोड़ा शांत, लेकिन फिर भी इसकी हलचल आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये देखिए, ये ऐसा शैतानी करता है ये। और एक चीज इसकी मजे की बात बताती हूँ, इसके डैडी गाना गाते हैं तो ये भी अपने डैडी के साथ राग मिलाता है, भले आया ना आए लेकिन हाँ हूँ करके एकदम से। जैसे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो होगा मेरे बच्चे का गाना गाने का, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मेन तो मैं आप लोग को बता दी। और तो ठीक है गाइस, तो ये सारी डेवलपमेंट थे हमारे बच्चों में, अभी ये 5th मंथ का इसका कम्प्लीट हो जाएगा 23rd को। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जो न्यू है, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्पेशली जो फर्स्ट मामा होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अभी हमारा बच्चा 1 मंथ का है, 2nd मंथ 3rd मंथ में क्या क्या मतलब होने वाला है ऐसा, क्योंकि मैं भी क्यूरियस थी और बहुत सारी वीडियोज में चेकआउट करती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बच्चे के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आप लोगों से शेयर करूं। तो आप लोग भी कॉमेंट करिएगा, जिनके बेबी 5 मंथ के हो गए हैं तो उनके क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तो बस ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जब हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाएगा तो 6 मंथ के वीडियोस लाएंगे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। सो ठीक है गाइस, वीडियो को अब करते हैं फाइनल स्टॉप, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।